सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं डिटेल में कैमरा जूमिंग टेस्ट, क्योंकि दोस्तों हमारे पास आ चुका है वीवो T3 5G डिवाइस, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड सुपर मून का भी एक मोड मिल जाता है, जो कि आसमान से चांद का फोटो कैप्चर कर सकता है। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको 20x का डिजिटल जूम का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखते हैं कि कितना दूर से ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है, कितना क्लियर फोटो कैप्चर कर सकता है, पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, जो सेल्फी कैमरा है, रियर कैमरा है, मैंने इंडोर प्लस आउटडोर से कुछ कैमरा सैंपल्स भी कैप्चर किया है, सो उसके कैमरा टेस्टिंग के सैंपल भी आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से Vivo T3 5G डिवाइस की Flipkart पे सेल स्टार्ट हो चुकी है। सो आप में से कितने सारे लोगों ने इस डिवाइस को ऑर्डर किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरा जूमिंग टेस्ट को शुरुआत करेंगे, लेकिन कैमरा टेस्टिंग करने से पहले इस डिवाइस के कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो इस डिवाइस में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि सोनी MX882 सेंसर के साथ आता है। बाकी आपको एक बोकेलेस एंड एक फ्लिकरलेस मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों, सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का AF सुपर सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग को शुरुआत करेंगे। वैसे दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, जो भी आप यहाँ पे कैमरा टेस्टिंग करेंगे उसका जो भी ओरिजिनल सैंपल है उसका गूगल ड्राइव का जो लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। सो वीडियो में आगे चल के सारे ओरिजिनल सैंपल मैं आपको दिखा दूंगा, साथ ही साथ अगर आपको ड्राइव का लिंक चाहिए सो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फोन को घुमाते हैं एंड करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को स्टार्ट। एंड कैमरा एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद आप फोटो मोड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 0.6 का मोड नहीं है, मतलब कि कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जूमिंग के बारे में बात करेंगे, सो 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 10x का डिजिटल जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे सुपर मून का भी एक मोड मिल जाता है, जिसमें आपको सुपर जूम जो कि आपको 20x का जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। फीचर के बारे में बात करेंगे, सो फोटोग्राफी के लिए काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जितने सारे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स है सबको मैंने ऑन करके रखा है, ताकि आपको काफी बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है, जो कि एक मंदिर है, एंड ये जो मंदिर है मेरे एंड से 500 मीटर्स के दूरी पे। तो चलिए दोस्तों, जूम करके देखते हैं जो मंदिर है कितना क्लियर विजिबल होता है, कितना क्लियर कट आपको फोटो कैप्चर मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले रेगुलर फोटो मोड से एक फोटो कैप्चर करेंगे, मतलब कि जो 1x मोड है 1x मोड से एक फोटो कैप्चर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 2x मोड। सो चलिए 2x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। वैसे 2x मोड में अभी तक कोई भी क्लियर कट मंदिर तो देखने को नहीं मिला है। एंड अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली 5x का यहाँ पे जूम का सपोर्ट मिल जाता है। तो 5x में जूम करने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। एंड यस, जो भी क्वालिटी है, क्लियरिटी अभी भी बरकरार है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे रास्टर रिंग्स देखने को नहीं मिलता है, कोई भी नॉइस एंड जो ग्रेन से देखने को नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि 8x मोड। सो 8x मोड में स्विच करने के बाद जो मंदिर है वो भी आपको क्लियर कट देखने को मिल जाता है, जो घर है वो भी काफी क्लियर कट देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, बैकग्राउंड में जो भी पेड़ वगैरह वो भी काफी क्लियर कट देखने को मिल जाता है। एंड वैसे भी दोस्तों, 8x मोड में कोई भी ग्रेन वगैरह देखने को नहीं मिला है, कोई भी नॉइस वगैरह देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों OIS के वजह से काफी बेटर यहाँ पे पिक्चर क्लियरिटी मेंटेन होती है। चलिए इसके बाद दोस्तों, सबसे लास्ट मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 10x मोड। एंड 10x मोड में स्विच करेंगे तो यहाँ पे जो मंदिर है वो काफी क्लियर यहाँ पे विजिबल हो जाता है, जो भी घर है वो भी काफी क्लियर यहाँ पे विजिबल हो जाता है, उसके पीछे जो पेड़ वगैरह वो भी काफी क्लियर कट विजिबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मंदिर का कलश अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार सिर्फ आपको 10x मोड का ही सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए, मैंने 10x मोड का भी एक फोटो कैप्चर किया है। इसके बाद दोस्तों, 1x1 सारे के सारे मोड के यहाँ पे जो ओरिजिनल सैंपल्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये है 1x मोड का सैंपल, उसके बाद ये है 2x मोड का सैंपल, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं 5x का सैंपल, जिसमें मंदिर भी काफी क्लियर कट देखने को मिल जाता है। 8x में भी काफी मंदिर क्लियर कट देखने को मिल जाता है। एंड 10x में काफी बेटर आपको पिक्चर क्लियरिटी भी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम ट्राई करेंगे डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का प्रो मोड। सो वैसे देखा जाए तो 50 मेगापिक्सल के मोड में कहीं भी हमको यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, दूर समय का फोटो कैप्चर करेंगे एंड दूर से फोटो कैप्चर करने के बाद उसको जूम करके देखेंगे कैसे हमको यहाँ पे पिक्सल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। सो डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल से फोटो कैप्चर करेंगे तो दूर से ऐसा क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड उसी फोटो को अगर हम यहाँ पे जूम करेंगे सो अभी भी काफी बेटर पिक्सल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जल्दी से एक प्रो मोड को टेस्ट आउट करेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे भी आपको मैनुअल मोड मिल जाता है।
सो प्रो मोड में जाएंगे एंड प्रो मोड में जाने के बाद इसमें भी आपको मैक्स टू मैक्स 10x मोड का या फिर डिजिटल जूम का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इस प्रो मोड में आपको डेडिकेटेड रॉ मोड एंड जो जेपीजी मोड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे रॉ मोड में फोटो कैप्चर करना है तो डायरेक्टली रॉ मोड में फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 1x मोड में एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड 1x मोड में फोटो कैप्चर करने के बाद हम यहाँ पे जूम करेंगे 2x मोड में। सो देखते हैं कि यार 2x मोड में कैसी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। सो 2x मोड में वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है। इसके बाद अगला जूमिंग मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 5x मोड। सो 5x मोड में देख सकते मंदिर यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे जो क्वालिटी है क्लियरिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, क्योंकि नॉर्मल मोड में काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियरिटी देखने को मिलती थी। सो यहाँ पे लास्ट 10x मोड में जूम करेंगे। सो 10x मोड में जूम करेंगे सो मंदिर तो देखने को मिल जाता है लेकिन यार जो पिक्सल क्वालिटी है वो काफ़ी यहाँ पे डाउन हो चुकी है। लेकिन कोई बात ना, हम सारे के सारे जो ओरिजिनल सैंपल्स हैं इसके ओरिजिनल सैंपल भी देख लेते हैं। सो ये है प्रो मोड के सैंपल जो कि 1x मोड का सैंपल है। उसके बाद ये है 2x मोड का सैंपल एंड उसके बाद अगला मोड देख सकते हैं जो कि है 5x मोड। एंड 5x मोड में मंदिर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं 8x मोड जिसमें यार पिक्सल क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं 10x मोड जिसमें यार पिक्सल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगले टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों वीवो T3 5G डिवाइस में डेडिकेटेड सुपर मून मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए सुपर मून मोड से फोटोज कैप्चर करेंगे, मतलब कि चांद का फोटो कैप्चर करेंगे। देखते हैं कि आसमान से चांद का फोटो कितना क्लियर यहाँ पे विजिबल होता है। तो चलिए सुपर मून मोड में जाएंगे एंड सुपर मून मोड में जाने के बाद यहाँ पे 5x, 10x एंड 20x ऐसे तीन मोड मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले 5x मोड में एक फोटो कैप्चर करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली स्विच करेंगे 10x मोड में एंड 10x मोड में थोड़ा सा कैमरे को स्टेबल करेंगे एंड स्टेबल करने के बाद जल्दी से 10x मोड का एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट सुपर जूम मोड में स्विच करेंगे जो कि है 20x। सो 20x मोड में भी एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड इसके बाद दोस्तों सारे ओरिजिनल फोटोज यहाँ पे चेकआउट करके देखते हैं। सो ये है नॉर्मल फोटो मोड, मतलब कि 1x मोड का सैंपल है। उसके बाद ये देख सकते हैं 5x मोड जो कि सुपर मून मोड से कैप्चर किया है। उसके बाद ये देख सकते हैं 10x मोड जो कि सुपर मून मोड से कैप्चर किया है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 20x एंड 20x मोड में देख सकते हैं आपको जो चांद है कुछ इस टाइप का ही देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले मोड के बारे में जो कि है वीडियो मोड, क्योंकि यार आप में से काफी सारे लोग यार बार बार कमेंट करते हैं कि इसका जो वीडियो क्वालिटी कैसा है उसको भी एक बार टेस्ट आउट कीजिए। सो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो वीडियो मोड में हमको यहाँ पे डेडिकेटेड 4K at 30fps का सपोर्ट मिल जाता है। एंड यस अगर आपको 60fps में वीडियो को रिकॉर्डिंग करना है सो 1080p at 60fps का सपोर्ट मिल जाता है। एंड वीडियो स्टेबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो 4K and 1080p में दोनों मोड में हमको यहाँ पे वीडियो स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है एंड OIS+ES ऐसा दोनों भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो एंटीशेक वीडियो मतलब कि एंटीशेक कैमरा से काफी बेटर स्मूथ वीडियोग्राफी कैप्चर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियोग्राफी में जूम करके वीडियो को शूट करना तो आपके लिए यहाँ पे 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको 10x मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यार काफी अच्छी बात बन जाती है। तो चलिए दोस्तों मैंने इस वीवो T3 5G डिवाइस का वीडियो कैप्चर करके रखा है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको ही चेकआउट करके देखेंगे कैसे उसकी जूमिंग पावर है। सो फ्रेंड्स अगर आप इस वीवो T3 5G डिवाइस से 4K at 30fps में वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे तो काफी बेटर आपको पिक्सल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड 4K मोड में भी हमको यहाँ पे वीडियो स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है। सो 4K काफी बेटर एंड स्मूथ वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको जूम करके वीडियो को रिकॉर्डिंग करना है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 4x एंड 5x तक यहाँ पे जूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर हम उसको जूम करके वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे जो पिक्सल की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन हाँ अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखना ही है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10x का आपको सपोर्ट मिल जाता है। वैसे दोस्तों मैंने 10x मोड में एक दूर के ऑब्जेक्ट को ट्राई करके देखा था। सो दूर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे विजिबल हो जाता है लेकिन यार जो पिक्सल क्वालिटी है वो काफी ज्यादा फट जाती है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद वीवो T3 5G डिवाइस से मैंने कुछ सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा से कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है, इंडोर प्लस आउटडोर से कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। सो अगर आपको कैमरा क्वालिटी देखना है तो 1x1 सारे के सारे कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको Vivo T3 5G डिवाइस का कैमरा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।